हम आपको ये बताएंगे कि कोविड के बाद बड़ी संख्या में हमारे देश में युवाओं के मरने पर सरकार ने एक जांच बैठाई थी कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी कम उम्र के जो लोग हैं, युवा जो हैं, इनकी मृत्यु हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब ये जांच पूरी हो गई है, रिपोर्ट आ गई है। आपने भी देखा होगा, आपके पास बहुत सारे वीडियोज इस दौरान पिछले 2-3 वर्षों में आए होंगे जिसमें बिल्कुल ठीक ठाक व्यक्ति जो युवा है उसे अचानक से हार्ट अटैक आता है। गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, डांस करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, दफ्तर में काम करते हुए अचानक से हार्ट अटैक आता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इस पर जांच हुई और जांच में ये पता चला कि डांस करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, दफ्तर में बैठे हुए जितने भी लोगों की मौत के वीडियोज आपने अपने फोन पर देखे, उनकी मौत का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं थी बल्कि कुछ और था। बड़ी बात यह थी कि क्या ये सब लोग जो इनकी मृत्यु हो रही है कहीं ये कोविड की वैक्सीन से तो नहीं हो रहा। पूरे देश में ये चर्चा होती थी कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। आईसीएमआर द्वारा की गई स्टडी में 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच हुई ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया गया जिनमें अलग अलग कारणों से 29,000 से ज्यादा लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। सोचिए ये स्टडी कितनी बड़ी होगी, 29,000 लोगों की मृत्यु की जांच हुई और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें या तो पहले से कोई बीमारी थी या जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई थी। सिर्फ 729 लोग ऐसे पाए गए जो अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थे लेकिन इसके बाद अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया या फिर दूसरे कारणों से उनकी मौत हो गई। आईसीएमआर ने इन्हीं 729 मौतों पर यह स्टडी की और बताया कि इनमें से कुल 133 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई थी, 145 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज लगवाई थी, 401 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी और कुल 31 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की तीनों डोज लगवाई थी। ये ब्रेकअप है। ये वो 729 लोग हैं जो मरने से कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थे, यानी कोविड के बाद जिन लोगों की सही मायनों में अचानक से मौत हुई उनमें से 81% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड की कम से कम एक वैक्सीन लगवाई थी और इसीलिए इन मौतों के पीछे बहुत सारे लोग कोविड की वैक्सीन को वजह मानते हैं। लेकिन आईसीएमआर का कहना है कि इन लोगों की मौत का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है। आईसीएमआर ने जब इन सभी मृतकों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की और उनका अध्ययन किया तो पता चला कि जिन लोगों की कोविड के बाद अचानक मृत्यु हुई उनमें से 10% लोग ऐसे थे जिनके परिवार में पहले भी किसी सदस्य की इसी तरह से अचानक मृत्यु हो चुकी थी, यानी इन लोगों के परिवारों में ऐसी मौतों की फैमिली हिस्ट्री थी। 18% लोग ऐसे थे जो जरूरत से ज्यादा शारीरिक गतिविधि कर रहे थे और ओवर एग्जर्शन की वजह से इन लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। और इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो कोविड होने के बाद जरूरत से ज्यादा वर्कआउट कर रहे थे या फिर जरूरत से ज्यादा शारीरिक भागदौड़ कर रहे थे। 27% लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग यानी धूम्रपान करते थे और अपनी मृत्यु से पहले भी उन्होंने धूम्रपान किया था। और 27% लोग ऐसे थे जो शराब पीते थे और इनमें भी 7% को शराब के नशे की लत थी और अपनी मृत्यु से पहले भी इन लोगों ने शराब का नशा किया था। इन नतीजों के आधार पर आईसीएमआर का कहना है कि भारत में अचानक होने वाली मौतों का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है बल्कि कोविड की वैक्सीन तो सडन डेथ्स के खतरे को और भी कम करती है। वैक्सीन की जगह इन मौतों का बड़ा कारण फैमिली हिस्ट्री और ओवर एग्जर्शन हो सकता है, यानी हम कई बार इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि हमारे परिवार में, हमारे माता पिता या और पीछे परिवार में भी क्या दूसरे हमारे सदस्यों को, परिवार के लोगों को, माता पिता को क्या हृदय संबंधित ऐसी बीमारियां रही हैं, क्या उनको भी ब्लड प्रेशर की कोई समस्या रही है या उनको भी कोई डायबिटीज जैसी समस्या रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये परिवार में आगे भी जाती है। आपको याद होगा पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कहा था कि हमारे देश में जिन लोगों को कोविड हो चुका है ऐसे लोगों को ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचना चाहिए और आईसीएमआर की स्टडी भी इसी तरफ इशारा कर रही है। भारत में अब तक लगभग 4.5 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। ये वो हैं जो कागज पर जिनका रिकॉर्ड हो सकता है वैसे इससे भी ज्यादा रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें संक्रमण कब हुआ और इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें माइल्ड कोविड हुआ था और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा और इसीलिए ये करोड़ों लोग सोचते हैं कि कोविड से उनके शरीर को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। आपको याद होगा जब
कोविड चल रहा था उस समय भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें माइल्ड कोविड हुआ था और वो कहते थे कि हाँ हमें कोविड हुआ था लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला, या हम तो 2 दिन में ठीक हो गए, हम 3 दिन में ठीक हो गए, और वो उसके बाद अपना ध्यान रखना बंद कर देते थे और उन्हें लगता था कि कोविड से उनके शरीर को नुकसान नहीं हुआ। तो इन स्टडीज के बाद ऐसा लगता है कि जिसे भी कोविड का संक्रमण हुआ है, चाहे वो बड़ा संक्रमण हुआ हो या माइल्ड छोटा हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान ये कोविड आपके शरीर को जरूर देकर जा रहा है। भारत की तमाम स्वास्थ्य एजेंसियां ये मानती हैं कि अगर आपको एक बार भी कोविड हुआ है तो आपको अगले कुछ वर्षों तक सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए। आज हम आपको स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का वो बयान फिर से जरूर सुनाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने कोविड से संक्रमित हो चुके लोगों को एक बहुत ही जरूरी सलाह दी थी, आप ध्यान से सुनिए। ऐसे हमारे हमने एक डिटेल स्टडी करो छे, ये डिटेल स्टडी एवं कह रहे हो छे के जे लोगों ने सीवियर कोविड थयो होय अने एनो समय जाजो न थयो होय एवी स्थिति नी अंदर एमने अधिक परिश्रम नहीं करवो जोईए, एमने पोतानी सेहत नो सखत मेहनत, सखत दौड़वो, सतत सखत एक्सरसाइज करवी एवा कामों थी एक चौक्स टाइम माटे यानी कि शॉर्ट टाइम माटे 1-2 वर्ष माटे दूर रहवो जोईए। तो आपके लिए संदेश यही है और समझने वाली बात भी है कि अगर आपको एक बार भी कोविड हुआ है, चाहे वो कितना भी माइल्ड कोविड हुआ हो, या हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा लक्षण भी ना हुए हों आपके शरीर में, तो भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई इस तरह की बहुत बड़ी महामारी हमारे समाज में, हमारे देश में या दुनिया में आती है तो उस पर रिसर्च होती है और रिसर्च करने में वर्षों और दशकों लग जाते हैं। कोविड इतनी नई बीमारी है कि इसे लेकर पहले कोई रिसर्च, कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं थी। उसके बाद जब इस पर शोध शुरू हुआ, अभी शोध हुए भी इतना कम समय हुआ है कि कोविड के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपके लिए अच्छा यह रहेगा कि आप ये मानकर चलिए कि कोविड अगर आपको हुआ है तो आपके शरीर में कुछ नुकसान जरूर करके गया होगा और आपको उस नुकसान की भरपाई करने में अभी कई वर्ष आगे लगेंगे। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं देश को, किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की
या दंगे भड़काए गए? सवालों की जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।